ही एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक टाइम्स। फैशनेबल चेतना पांडे, जिनके लिए फैशन का मतलब कंफर्टेबिलिटी है, जो खुद को सेसी में सीसी गर्ल कहती है और जो है ओवरसाइज टी शर्ट की दीवानी। और क्या आपको पता है, चेतना रियल लाइफ में काफी लविंग है और ब्रांड्स के पीछे वो कभी भी पागल नहीं रही। सिर्फ फैशन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चेतना पांडे में ऐसा है जिससे आप अभी तक अनजान है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे चेतना पांडे जॉब से अपना करियर मॉडलिंग और टेलीविजन इंडस्ट्री में बनाई, और कौन था इनका पहला प्यार जिसे चेतना को अपनी फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा, कहां से और कैसे इन्होंने अपनी स्टडीज मैनेज की। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अनसुनी अनकही बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, आप बने रहे इस वीडियो पर एंड तक। चेतना पांडे का जन्म 3 अगस्त 1994 को उत्तराखंड की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली में पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है। चेतना को बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक हुआ करता था, क्योंकि वो बार बार अपना हाथ जला लिया करती थी, जिसके बाद उनकी मां ने उनका एंट्री किचन में बंदी कर दिया। और आपको एक खास बात बता दे, चेतना पांडे के बर्थडे पर हमेशा इनके घर में छोले भटूरे ही बनते हैं और ये इनका फेवरेट है। चेतना के फैमिली में हमेशा से ही पढ़ाई का माहौल रहा है और इनके फादर चेतना को कभी भी घर से बाहर जाना या फिर ज्यादा घूमना फिरना अलाउड नहीं करते थे। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखने वाली चेतना कैसे मुंबई पहुंच गई, वो भी टेलीविजन और फिल्म की दुनिया में, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। चेतना स्कूल डेज से ही बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हुआ करती थी और कॉलेज डेज तक ये नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर बन गई। लेकिन तब तक भी चेतना के लिए मुंबई जाना एक सपने जैसा था, और यहाँ तक कि मुंबई जाने के लिए भी चेतना ने कभी नहीं सोचा था। कॉलेज डे में उनके साथ एक लड़का पढ़ता था और वो भी बैडमिंटन प्लेयर था, और इसी लड़के के साथ चेतना टूर्नामेंट्स के लिए मसूरी जाती थी और इसके साथ साथ क्लासेस भी बंक करने लगी। हमेशा टॉमबॉय टाइप रहने वाली चेतना कब और कैसे उस लड़के को डेट करना स्टार्ट कर दिया, ये चेतना को खुद भी पता नहीं चला। चेतना बताती है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी और वो टॉमबॉय से कब बदलने लगी उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की फैमिली इन्वॉल्व हुई और दोनों के पेरेंट्स ने दोनों का मिलना जुलना बंद करा दिया और फैमिली इशूज होने की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। लाइफ में पहली बार हार्ट ब्रेक फेस करना आसान नहीं होता है, लेकिन चेतना ने इस टाइम को भी निकाल ही लिया और मूव ऑन कर ली, जिसके बाद चेतना ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का फैसला लिया और फिर ये कई सारे इंटर्नशिप देने लगी। लकीली इनका सिलेक्शन पुणे के कॉलेज में हो गया और फिर क्या था, ये पहुंच गए पुणे अपना MBA पूरा करने। पुणे आते ही चेतना अपनी लाइफ में पूरे उल्टे पुल्टे काम करने स्टार्ट कर दी, जो आज तक इनके पेरेंट्स ने इन्हें करने नहीं दिया। ये रात को घूमती फिरती क्लब जाती और यहाँ तक कि ये अल्कोहल भी पीना स्टार्ट कर दी थी, और फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब जाना पार्टी करना इनका फेवरेट काम हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम के साथ इंसान सब कुछ सीख ही लेता है, और ये सारी मस्ती और मिजाज इनको कुछ ही टाइम तक सही लगा। इसके बाद फिर ये सही ट्रैक पर आ ही गई। चेतना की लाइफ तब बदल गई जब फर्स्ट ईयर के एंड में ही चेतना को कॉफी शॉप पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने देखा, जिसके बाद इन्होंने किसी को भेजा चेतना से ये पूछने के लिए कि क्या वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो आ जाए मुंबई ऑडिशन देने के लिए। जिसके बाद फिर क्या था, चेतना पहुंच गई मुंबई ऑडिशन देने और लाइफ में पहली बार इन्होंने मेकअप किया और कैमरा के सामने आई थी। उस टाइम पे चेतना को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये क्या सब हो रहा है, और वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी वो अपना करियर अब एक्टिंग में भी बना सकती है। बट प्रोमो डे से एक दिन पहले ही मेकर्स को लगा कि चेतना इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं बैठ रही है और ना ही इनका एक्टिंग स्किल उतना बेहतर है, जिसके वजह से चेतना को रिजेक्ट कर दिया गया। ऑडिशन के बाद लगभग एक महीने तक इन्होंने एक्टिंग के क्लासेस भी लिए और इस रिजेक्शन को चेतना बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए सेट से घर की ओर चल पड़ी। इस रिजेक्शन के बाद चेतना ने सोचा, इस ऑडिशन के लिए मैंने अपना स्टडी बीच में छोड़ दिया, लेकिन
लेकिन बचपन से ही मैं अभी तक जिस भी फील्ड में रही हूँ व्यस्त ही रही हूँ। और आखिरकार मुझे पहली बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चेतना को काफी हर्ट हुआ था और वो काफी टूट गई थी। इसके बाद चेतना ने ठान लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं मुंबई जाऊंगी और अपना करियर एक्टिंग में बना कर ही रहूंगी। और ये रिजेक्शन ने चेतना की किस्मत बदल दी। और रिजेक्शन के 6 महीने के अंदर ही ये आमिर खान के साथ कोको कोला के एडवर्टाइजमेंट में नजर आई और यही से शुरू हो गया चेतना के लाइफ का एक्टिंग का जर्नी। इसके बाद ये कई सारे टीवी शो में नजर आई, जैसे एमटीवी के एस ऑफ स्पेस, एपिसोडिक शो प्यार तूने क्या किया, फना, क्लास ऑफ 2020 और होम जैसी काफी सारे टीवी शोज में अपीयर हुई। इसके साथ साथ ये कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी है, जैसे दिल तो बच्चा है जी, दिल वाले, आई डोंट लव यू, ये सारे फिल्मों में ये अपीयर हुई थी। इसके साथ साथ आपको बता दे, चेतना कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी अपीयर हो चुकी है। साल 2022 के हिसाब से चेतना है 33 इयर्स की। इसके साथ साथ आपको बता दे, चेतना पांडे सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर है और आए दिन ये अपने इंस्टाग्राम पर लवी डबी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है और इंस्टाग्राम पर इनके 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ तो चेतना अनमैरिड है। बात करें इनके अफेयर्स की तो इनका नाम एक्टर वरुण के साथ जुड़ा था और ये दोनों एक साथ रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में कंटेस्टेंट भी रहे थे। और इन दिनों चेतना पांडे निशांत गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो इस इंडस्ट्री से नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दे, ये रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी चेतना पांडे की लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।